Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you all will be fine. As you know, we are poem, the echoing grain. So today we are going to discuss the part number B, working with words. On the next page are some words which all means walk. Each words, however, refers to a special way of walking. Can you show by walking in the manner indicated which each words mean? Then use the words in appropriate. Then use the words appropriate in sentences of your own. ठीक है, next page में हमारे पास कुछ words हैं उन words का सबका मतलब walk है. ठीक है, so आपने करना ये है कि आपने उन words को उनको डिक्शनरी में आपने देखना है. ठीक है, इनके क्या मीनिंग्स हैं, उनके मीनिंग्स आपने लिखने हैं. ठीक है, और देन आपने इनके सेंटेंसेस बनाने हैं. ठीक है, सो ये आपने काम करना है. पुट द वर्ड्स इन द लिस्ट अबव इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर. जो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर बन रहा है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी जो है बताया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी हमारे पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर कैसे बनता है. ठीक है, राइट द डेफिनेशंस ऑफ ईच वर्ड्स इन द लिस्ट, देन यूज़ योर डिक्शनरी एंड ट्राई टू राइट अ मोर एक्यूरेट डेफिनेशंस. ठीक है, आपने इनकी क्या लिखनी है, डेफिनेशंस. डेफिनेशंस मीन्स आपके पास जो इसके मीनिंग्स होंगे. ठीक है, वो आपने इसके बारे में लिखना है. ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द पंक्चुएशन. व्हाट इज पंक्चुएशन. अ कोमा यूज बिटवीन द लिस्ट ऑफ आइटम्स. जब हमारे पास ढेर सारे लिस्ट, एक लिस्ट के अंदर ढेर सारे आइटम्स होना, तो हम हर वर्ड के जो है ना, हर वर्ड के बाद कोमा लगाते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे हमारे पास लिस्ट है फ्रूट्स की. ठीक है, हमारे पास फ्रूट्स की लिस्ट है. ठीक है, इस लिस्ट के अंदर हमने जो है फ्रूट्स में एप्पल, ठीक है, बनाना, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, ठीक, ऑरेंज एंड हम कह देते हैं ग्रेप्स. ठीक है, सो ये हमारे पास क्या है, एक लिस्ट है. और ये किसकी लिस्ट है, फ्रूट्स की लिस्ट है. ठीक है, तो मैं हर वर्ड के बाद कोमा लगाऊंगे. ठीक है, और जो एंड वाले वर्ड्स होंगे उसके एंड पे हम एंड लिख देंगे. ठीक है, सो पंक्चुएशन में हमारे पास हम किस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, कोमा को. ठीक है, ये कोमा तब यूज़ होता है जब आपके पास ढेर सारे लिस्ट में आइटम्स हों. ये सारे हमारे पास क्या हैं, फ्रूट्स हैं ना, तो फ्रूट्स हमारे पास क्या हैं, ये आइटम्स हैं. ठीक है, फ्रूट्स की ये लिस्ट है, उस लिस्ट के अंदर हमारे पास आइटम्स हैं और वो आइटम्स हमारे एप्पल, बनाना, ऑरेंज एंड ग्रेप्स. ठीक है, सो वर्ड्स को जो है ना, हर जो है लिस्ट को, लिस्ट में जो भी वर्ड्स यूज होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए वी विल यूज़ कोमा. ठीक है, सो हमारे पास ये एक्सरसाइज है जहाँ पे आपने सबसे पहले लिखना है कोमा की डेफिनेशन, देन आपने एग्जाम्पल देनी है. और फिर अगर आप यहाँ पर देखें तो ये आपके पास क्वेश्चन है, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस पुटिंग इन कोमा. अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे बहुत से सेंटेंसेस हैं पर उनको, उनमें कोमा यूज़ नहीं हुआ हुआ. ठीक है, सो हम इसमें कोमा यूज़ करके जो है इनको लिखेंगे. ठीक है, इन हिज शॉप ही सेल्स नट बोल्ट्स स्क्रू पिन्स एंड पेपर. ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ही सेल्स, ठीक है, सेल्स के बाद क्या है हमारे पास, नट्स, बोल्ट्स, स्क्रू, पेपर एंड पिन्स. तो हम अगर कोमा यूज़ करेंगे तो ऐसे, In his shop he sells nuts, comma, bolts, comma, screw, comma, pins, comma and paper. ठीक है, you have to do your homework like this. ठीक है, you have to write the definition of the question, example of the question, then you have to write the question, rewrite the following sentences putting in commas, and you will write the sentence, and after that you will rewrite the sentence after putting the commas. ठीक है, During the holidays, he visited his brother, uncle, his friend, his father's friend, his grandfather and his grandmother. ठीक है, so during his holidays, he visited. Obviously, आपको पता है यहाँ पे मेरे पास pronoun है, तो यहाँ पे sentence में comma आएगा. He visited his brother, brother, comma, uncle, his father's friend, comma, his grand friend and his. देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे हम नोट करें, ठीक है, हमारे पास एक लिस्ट है. ठीक है, सो लिस्ट में जितने भी आइटम्स होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं, कोमा यूज़ करते हैं. और कोमा हमारे पास क्या है, एक पंक्चुएशन है. ठीक है, पंक्चुएशन हमारे पास डिफरेंट टाइप्स है ना, तो ये भी कोमा भी है एक उसकी टाइप है पंक्चुएशन के. द लीफ फ्लोटेड विद द करंट वर्ल्ड Around twisted our stop for a moment and then disappeared. The leaf floated with the current. ठीक है, world
अराउंड विल राउंड, ठीक है, विल राउंड के आगे आपने कोमा लगाना है, ट्विस्टेड अराउंड के बाद आपने कोमा लगाना है, स्टॉप फॉर अ ब्रीफ मोमेंट आपने कोमा लगाना है एंड देन डिसअपीयर. ओके, सो ये हमारे पास लिस्ट है. फिर बता दूं कि लिस्ट में हमारे पास जितने भी आइटम्स होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए हम जो है कोमा यूज़ करते हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट है द बेल्स ऑन द ट्री स्ट्रेन्स ऑफ एवरी कलर हैंगिंग फ्रॉम द सेलिंग balloons of all shapes, a large stars and millions of sparkling lights complete the decoration in the hall. ठीक है, सो इसको आपने जो है बताना है द बेल्स ऑन द ट्रीज. ठीक है, ये आपने हॉल की डेकोरेशन बतानी है. द बेल्स ऑन द ट्रीज कोमा स्ट्रीमर्स ऑफ एवरी कलर हैंगिंग फ्रॉम द सेलिंग. ठीक है, कोमा बैलून्स ऑफ ऑल शेप कोमा अ लार्ज स्टार एंड मिलियंस ऑफ स्पार्किंग लाइट्स कंप्लीट द डेकोरेशन इन द हॉल. ठीक है, सो आपने इनको क्या किया है, कोमा के थ्रू आपने इनको सेपरेट कर दिया. ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड यू हैव टू डू मेक योर ओन सेंटेंसेज यूजिंग द वर्ड इन ईच रो. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बस ए पार्ट ए में है ट्रेन एरोप्लेन्स बुलॉक कार्ट्स बाइसाइकल्स एंड कार्स. ठीक है, जैसे यहाँ पे लिस्ट आपने देखी होगी ना, इन सेंटेंसेज में कोमा लगा के डिफरेंट चीज़ों को जो है वो सेपरेट किया था, डिफरेंट आइटम्स को सेपरेट किया था. इसी तरह आपने एक सेंटेंस बनाना है और उसमें उन सेंटेंस में आपने जैसे पार्ट नंबर एक दिया गया. ठीक है, तो आपने एक ऐसा सेंटेंस बनाना है जिसमें ट्रेन भी यूज़ हो, एरोप्लेन्स भी, बुल कार्स बाइसाइकल्स कार्स. ठीक है, और ये आपस में किसके थ्रू सेपरेट हो, कोमा के थ्रू सेपरेट हो. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान चाइना मलेशिया इंडोनेशिया थाईलैंड. ठीक है, आपने इनका एक ही सेंटेंस बनाना है, बट यू हैव टू मेक अ प्रॉपर सेंटेंस. ठीक है, एक ही सेंटेंस बनाना है और इनको आपने जो है कोमा के थ्रू सेपरेट करना है. टोटल आपने फोर सेंटेंसेस बनाने हैं और हर सेंटेंस में आपने इन जो है ना, जैसे पार्ट नंबर ए है, ठीक है, तो आपने आपने एक ऐसा सेंटेंस बनाना है जिसमें ट्रेन हो कोमा, एरोप्लेन बुल कॉर्स कोमा, बाइसाइकल्स कोमा कार्स. ठीक है, इस तरह आपने इसको सेंटेंस बनाना है. ठीक है, ये आपने चार सेंटेंसेस बनाने हैं इनमें और हर एक सेंटेंस में ये चार चीज़ें जो हैं वो, ये पांच चीज़ें जो हैं वो यूज़ होनी चाहिए. ठीक है, एंड आफ्टर दैट व्हाट वी विल डू द पार्ट नंबर सी लर्निंग अबाउट लैंग्वेज. ठीक है, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस सफिक्सेस. वर्ब्स कैन टेक द सफिक्स आई एन जी. ठीक है, वर्ब्स विद दिस सफिक्स शो दैट द एक्शन इज टेकिंग प्लेस एट द टाइम. अच्छा, सफिक्सेस क्या होते हैं मैं आपको बता दूँ कि आपके पास ना सफिक्सेस वर्ब के बाद यूज़ होते हैं. ठीक है, जैसे मेरे पास अगर है ना स्टॉप है, या मैं कह देती हूँ एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कैच. ठीक है, तो कैच मेरे पास क्या है, वर्ब है. ठीक है, कैच के बाद मैं क्या करती हूँ, ईडी लगा देती हूँ, तो ईडी मेरे पास क्या है, सफिक्स है. ओके, ईडी मेरे पास क्या है, सफिक्स है. ठीक है, सो सफिक्सेस जो होते हैं ये आफ्टर वर्ब, वर्ब के बाद यूज़ होते हैं. ठीक है, वी विल यूज सफिक्सेस आफ्टर द वर्ब. ओके, जैसे हमारे पास ये है ना सारे लॉफ्ट स्टॉप हेड बॉक्स कैच, इनके बाद हम क्या करेंगे, सफिक्सेस लगाएंगे. इनके बाद अगर हम ईडी यूज़ करते हैं, आईएनजी यूज़ करते हैं, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, सफिक्सेस. ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास सिट है, सिट के बाद अगर मैं सिटिंग लिखती हूँ, ठीक है, तो सेट मेरे पास क्या है, वर्ब, और आईएनजी मेरे पास क्या है, सफिक्सेस. ठीक है, सो किसी भी जो सफिक्सेस होते हैं वो हर वर्ड के बाद एंड में यूज़ होते हैं. ठीक है, सो मैनी वर्ड्स फॉर्म देयर पास्ट टेंस बाय टेकिंग द सफिक्स ईडी. ठीक है, जैसे हम लोग कैच्ड लिखते हैं, तो कैच्ड में हमारे पास कैच जो है वर्ब है, ईडी लगा के कैच हमारे पास क्या होता है, वो प्रेजेंट फॉर्म में होता है. ठीक है, बट हम अब सफिक्स ऐड करते हैं, जैसे ईडी उसके साथ ऐड कर देते हैं, तो वो किस सेंटेंस में चेंज हो जाता है, पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है. अ नंबर आर इररेगुलर एंड डू नॉट फॉर्म द पास्ट टेंस इन दिस वे. ठीक है, व्हेन आइदर आईएनजी और ईडी इज एडेड टू द वर्ब ऑफ अ सिंगल शॉर्ट सिलेबल द स्पेलिंग ऑफ चेंज. ऑब्वियसली जब आप कैच के साथ ईडी लगाएंगे तो वो उसके स्पेलिंग चेंज हो जाएंगे, कैच्ड हो जाएंगे. ठीक है, कैच ही तो नहीं रहेंगे ना, मैंने सफिक्सेस ऐड किया ईडी, तो अब इसके क्या स्पेलिंग हुए, कैच्ड. अगर मैंने ईडी यूज़ नहीं किया तो फिर इसके क्या स्पेलिंग थे, कैच. ठीक है, सो द फाइनल कॉन्सोनेंट यूजली डबल्स इफ द प्रोसीडिंग वोवल्स इज शॉर्ट. ठीक है, सेट सेटिंग. ठीक है, फॉर अगर हमारे पास जो हैं ये कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ये क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं. ठीक है, टी है ना, तो अब टी हमारे पास कॉन्सोनेंट है, वोवल भी होते हैं, कॉन्सोनेंट भी होते हैं हमारे पास, तो वोवल होते हैं ए ई आई ओ यू, और आफ्टर और अदर देन द वोवल जितने भी वर्ड होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं. द फाइनल कॉन्सोनेंट डज नॉट डबल इफ द प्रोसीडिंग वोवल शुड लॉन्ग शॉर्ट एज लॉन्ग. जैसे मीट है ना, ठीक है, तो मीट में हमारे पास ये प्रोसीडिंग लॉन्ग लॉन्ग हो, मतलब ये देख लें,
यहाँ पे हमारे पास ये लॉन्ग है, ठीक है, तो ये में हमारे पास क्या हो जाएगा, मीटिंग हो जाएगा, ठीक है, तो ये डबल नहीं होगा, इसमें टी आई एन जी डबल हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वो शॉर्ट जो है प्रोसीड कर रहा है, ठीक है, प्रोसीडिंग कर रहा है. सो एड द सफिक्सेस आई एन जी एंड ई डी टू द फॉलोइंग्स, वॉच आउट फॉर इरेगुलर वंस, ठीक है, लॉफ्ट, स्टॉप, हिट, बॉक्स, कैश, थिंक, फिक्स, रन, प्लेन, बॉल, सिट, पोस्ट, फ्लिप, शिप, जॉइन, फैटन, पे, कैच, पेस एंड ट्रैप. इनके एंड पे हम सफिक्सेस ऐड करेंगे, तो जब सफिक्सेस ऐड करेंगे तो इनकी स्पेलिंग्स और इनकी प्रोनंसिएशन डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है. ओके, लुक एट हियर. सो ये हमारे पास क्या है, सफिक्सेस का टॉपिक है. हमने वर्ड्स के साथ आईएनजी भी यूज़ करना है और ईडी भी यूज़ करना है, ठीक है, मतलब हमने सफिक्सेस जो बनाने होंगे उनके एट द एंड हमें आईएनजी यूज़ करना हो और एट द एंड हमें ईडी यूज़ करना. तो लॉफ, लॉफिंग, ठीक है, लॉफ्ट, स्टॉप, स्टॉपिंग, स्टॉप्ड, हिट, हिट, हिटिंग, हिटेड, बॉक्स, बॉक्सिंग, बॉक्स्ड, कैच, कैचिंग, कैच, थिंक, थिंकिंग, थिंक, फिक्स, फिक्सिंग, फिक्स्ड, सन, रनिंग, रन, रनिंग, रन्ड, ठीक है, पेन, पेनिंग, पेंट, बॉल, बॉयल, बॉयलिंग, बॉयलिंग, बॉयलिंग. सो हेयर यू कैन सी द सफिक्सेस, वर्ड्स, वर्ड्स को देख लेंगे और हमने इनको सफिक्सेस में कन्वर्ट करना है बाई यूजिंग आई एन जी एन ई डी. सो मैं ये आपको पीडीएफ में जो है सेंड कर दूंगी, आपके लिए ईजी हो जाएगा. सो हेयर आर द सफिक्सेस. आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आ चुका होगा. यू हैव टू डू द कॉम्पोजिशन. राइट अ शॉर्ट पैसेज ऑफ सीन बिलो फ्रॉम ओल्ड पॉइंट ऑफ व्यू, ओल्ड जॉन्स ऑन पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, आपके पास यहाँ पे एक पिक्चर गिवन है, सीनरी गिवन है, आपने इसके अकॉर्डिंग क्या लिखना है, कंपोजिशन लिखनी है. ठीक है, सो आपने थ्री पैराग्राफ्स लिखने हैं. फर्स्ट पैराग्राफ में आपने क्या चीज़ डिस्क्राइब करनी है, डिस्क्राइब हु इज़ ही. ठीक है, आपने बताना है कि ये पर्सन कौन है. ठीक है, जैसे हमारे पास ये कौन है, ओल्ड जॉन है. ठीक है, वेयर इज़ ही, कहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है, ऑब्वियसली पार्क है. ठीक है, एंड व्हाट ही इज़ डूइंग, और ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑब्वियसली वो स्टूडेंट जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, उनको देख रहा है. ठीक है, सो ये आपने फर्स्ट पैराग्राफ में इसके बारे में बताना है. सेकंड पैराग्राफ में जब आप लिखेंगे तो डिस्क्राइब व्हाट ही कैन सी एंड व्हाट ही हिज रिएक्शंस आर. ठीक है, उसके रिएक्शंस आपने बताने हैं, वो क्या देख सकता है, उसके क्या रिएक्शंस हैं, ये आपने बताने हैं. ठीक है, पैराग्राफ थ्री है, डिस्क्राइब हिज मेमोरीज ऑफ ओल्ड यूथ. ठीक है, जब वो यंग था तो उसकी मेमोरीज आपने बतानी है. ठीक है, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ पोएम. ठीक है, आप पोएम से भी हेल्प ले सकते हैं, तो आपने इसका जो है इसको भी नोटबुक पे करना है. ठीक है, आप इसमें ये भी बता सकते हैं कि इसमें कौन कौन से करेक्टर्स हैं, ऑब्वियसली चिल्ड्रन हैं. ठीक है, और एक ओल्ड पर्सन है, कहाँ पे हैं ये, पार्क में हैं, चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं, पर्सन क्या कर रहा है. ठीक है, सो ये आपने जो है ना इस पिक्चर डिस्क्रिप्शन को यूज़ करते हैं, यूज़ करना होगा. ठीक है, और आपने अपने से इसमें पैसेज लिखना होगा. ठीक है, सो ये कंपोजिशन है आपकी. आपने जो नोटबुक पर काम करना है वो आपने कंपोजिशन करनी है. ठीक है, You have to write a definition of the punctuation and आपने फिर इसको जो है rewrite करना है, जैसे मैंने notebook पे आपको दिखाया था आपने उसको वैसे करना है. ठीक है, आपने sentences को बनाना है. Then what you have to write the suffixes on the notebook. ठीक है, so question number, so 1, 2, 3, 4 and 5. ठीक है, इन questions को आपने जो है notebook पे करना है. ठीक है, thank you so much.